नमस्कार, बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति ने शिक्षक आंदोलन को और अधिक आंदोलित करते हुए धरना स्थल पर अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर आज भीड़ को इतिहास के पन्नों पर दर्ज कराया। समन्वय समिति के अध्यक्ष हरि मोहन चौधरी की अध्यक्षता में हड़ताल के 15वें दिन अपार भीड़ के साथ धरना सफल रहा। सभा को अन्य प्रखंडों से आए हुए कई जिला प्रतिनिधि एवं प्रखंड प्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की जिला उपाध्यक्ष श्रीमती सुमन कुमारी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सभी महिला शिक्षिकाओं को अपनी ओजस्वी उद्बोधन से उत्साह और उमंग से लबरेज किया तथा आह्वान किया कि नीतीश कुमार की मुख्य जनाधार महिलाएं हैं, इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को चाहिए कि वे शिक्षकों को सम्मान देते हुए पूर्ण राज्य कर्मी की दर्जा सहित सभी सरकारी सुविधा देने संबंधी घोषणा करें। प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष निशांत कुमार नेलाब ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार को अधिकार नहीं है कि वे किसी नियोजित शिक्षक को बर्खास्त कर सके। वह नियोजन इकाई को निर्देश दे सकती है और बिहार के सभी नियोजन इकाई के अध्यक्ष एवं सदस्य नियोजित शिक्षकों के साथ हैं। सरकार सिर्फ डराने के लिए गीदड़ भभकी दे रही है, लेकिन हम सभी नियोजित शिक्षक ठान लिए हैं कि इस बार आर पार की लड़ाई के द्वारा राज्य कर्मी का दर्जा लेकर ही वापस लौटेंगे। सभा संचालन जिला कार्यालय सचिव शंभु कुमार सुमन ने किया। मौके पर अरुण कुमार यादव, पवन कुमार शर्मा, डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद, विनोद कुमार विमल, अजीत कुमार, विजलाल यादव, उमेश कुमार, मोहनचित राम, मोहम्मद नसीम, गंगा प्रसाद यादव, अजय कुमार, प्रमोद कुमार, संजीव कुमार, सुनीता कुमारी, संगीता कुमारी, आभा कुमारी, नातिन चंदना, अमिता महंगा, अनीता कुमारी, आमना खाती, सुधा कुमारी, अर्पणा कुमारी, रेशमी कुमारी, नीलू कुमारी, रीना कुमारी समेत सैकड़ों शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। शिक्षक एक तो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक एक तो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक एक तो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपना अधिकार लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। और जोर हमारा दिन है और हम लोग लगातार डटे हुए हैं। जब तक सरकार पूर्ण राज्यकर्मी का दर्जा सहित हमारी सातों मांगों को मान नहीं लेती है, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। क्या नाम हुआ? हरि मोहन चौधरी, प्रखंड अध्यक्ष, बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति, समस्तीपुर। निरंतर 15वां दिन हड़ताल पर डटे हुए हैं। जब तक हमारी मांग, सात सूत्री मांग जो है, सरकार पूरी नहीं कर देगी, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। हमारी मांग है राजकर्मी का दर्जा, समान सेवा शर्त सहित 17-7 सूत्री मांगों को हम लोग सरकार के सामने पेश कर दिए हैं। जब तक सरकार हम लोग घोषणा नहीं कर देती है, तब तक हम लोग इसी तरह से एकताबद्ध होकर करके 28 संघ मिलाकर के जो बिहार राज्य समन्वय समिति बना हुआ है, सभी के सदस्य हम लोग हड़ताल पर हैं। आज पूरे बिहार में 90-95% विद्यालय में ताला लगा हुआ है और हम लोग एकदम एकजुट होकर हड़ताल पर हैं। आप लोगों पर कार्रवाई हो रही है, इस पर क्या कहें? कार्रवाई सरकार की जो है, सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो लोकतंत्र की हत्या है। सरकार अपनी जो कमजोरी छिपाने के लिए कार्रवाई करे, कार्रवाई कौन चीज का, क्यों कार्रवाई करेगी? हम लोग हड़ताल की सूचना पहले ही दे चुके हैं, जिस चीज की सूचना पहले दे चुके हैं और हड़ताल कार्रवाई कर रही है, सरकार कर रही है, तो उसकी बेवकूफ़ी है। सरकार तो मरे हुए शिक्षक पर भी कार्रवाई कर रही है सर। आप देखे होंगे, 2 मरे हुए शिक्षक हैं, उनको भी निलंबन कर दिया गया है, उनको भी वेतन आपसी का फरमान जारी कर दिया है। ये सरकार क्या कही? क्या नाम हुआ? पवन कुमार शर्मा, प्रखंड अध्यक्ष, TTST, उत्तर नियोजित शिक्षक संघ, समस्तीपुर। धन्यवाद।